माशा, उन दोनों ने माशाल्लाह भी नई गाड़ियां ली। बड़े बड़े गलत कारनामे किए 2012 है कि ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई, याद है? हाँ, वांटेड वांटेड। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को, मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और ईद की नमाज़ पढ़ के अभी निकले हैं। सब भाई बिखर गए थे क्योंकि रश बहुत था और अब मैं भाइयों के साथ मिलने जा रहा हूँ और सब भाई इकट्ठे हो चुके हुए हैं। भाईजान, बाबर, सबको ईद मुबारक। भाई मैंने कहा था अंदर चलो, मौसम बहुत प्यारा है। लेकिन मैं इमाम के पास खड़ा हो गया था जा के बारिश से बच के। हमजा भाई ईद मुबारक, रहान ईद मुबारक। मेरी तो फोटो भी करोगे भाई? तू रह गया ईद मुबारक। आपको मस्जिद में घुसने दिया था? नहीं, उसने कहा था ऊपर से। हम पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे नमाज ईद के लिए, लेकिन बारिश का मौसम है और बहुत खूबसूरत है। बारिश होने ही लगी थी जब हम सफ़ों में खड़े हुए, तो फिर हमने कहा अंदर भागे मस्जिद के अंदर। और अब हम चलते हैं घर, घर में करते हैं मुंह मीठा और फिर उसके बाद पहुंचते हैं कब्रिस्तान और फिर अपने पुराने। हाँ, मैं मौजूद हमजा भाई के घर जो कि मस्जिद के बिल्कुल सामने है। और हमजा भाई ने भी नई गाड़ी ली है। हमजा और इसके एक बड़े भाई हैं सामा भाई, उन दोनों ने माशाल्लाह भी नई गाड़ियाँ ली हैं दोनों भाइयों ने। ये ट्विन टर्बो, बायो टर्बो, और कौन सी टर्बो, V12 है ये है हमजा भाई। नेस्ला, अब आप इंजन चेंज हुआ इसका। इंजन चेंज करवा, अपनी बेच के चलाएगा अब, ये चलाएगा यार, काफी मस्त। चले भाई, ले जी। हमजा के बड़े भाई भी आ गए हैं जिनकी गाड़ी दिखा रहे थे। रात को दो कार्ड घुमा दिए इन्होंने अपने। हाँ, मैं सैलून पे गया, सैलून पे सारा इन्होंने काम कुम करवा के कहते मेरे सारे कार्ड घूम गए हुए हैं। आधा घंटा उन्होंने और मसाज किया, आधा घंटा उनको दबाया, कोई बात नहीं, ईद इसी तरह गुजार ले। अब चल रहे हैं हम घर को और सफीर भाई बैठ जाओ, गुस्सा नहीं करो। मैं हमजा के साथ आ रहा हूं। चलो, सारे व्लॉग के चक्करों में ना, हाँ, 10 लोग एक गाड़ी में जाने की तरह तैयार हैं। तो हमजा के घर है वो, हमजा। ओए नहीं मां, मिले हुई मिला हूँ आपसे, पक्की बात है, ये मेरा कजन है। नहीं, आपने कुमराट वाले व्लॉग में देखा होगा, मैं ज्वाइन किया। ये देखे सर, ये फैसल के फैंस आए हैं एंड दे आर फ्रॉम व्लॉग। ये सब व्लॉग देखते हैं एंड फैसल भाई, ये कामिल भाई आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैसल गुड जॉब, थैंक यू थैंक यू। अब चलें, जल्दी कर लें, बाद अज नमाज दुकान बंद रहेगी। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू वेरी मच। हमारे नेबर भी हैं ये भाईजान, हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। बल्कि इस दफा बड़ा मिस किया आपके साथ क्रिकेट खेलने को लगा, बस वो टाइम की कमी की वजह से ना। ओके ओके, थैंक यू भाईजान, अल्लाह हाफिज। कभी प्लेन ये जी भाई जान, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इतनी तेज बारिश नहीं थी जिस तरह भाग गया। ओए ईद मुबारक गाइस गाइस, क्या हुआ? इधर मैं मिले यार, मतलब दोबारा मिल रही है ये हम में से नहीं। चल आ जा भाई। अच्छा, फैंस तेरे इकट्ठे होने बीच मेरी मार्केटिंग, मैंने अपनी दुकान खोल ली, शटर चौक था। आ जाओ आ जाओ कि हम पहुंच गए घर और डैड हमसे पहले पहुंच गए घर। डैड से मिले नहीं, सबसे पहले हम डैड से मिलते हैं। सलाम अलैकुम, चल चल मैं सलाम अलैकुम।
ये मेरे व्यूवर्स को भी ईद मुबारक ऐड कर दें, सबको ईद मुबारक। और ये हमारे लिए मीठा, नमाज ईद के बाद सुन्नत है कि मीठा खाया जाए, और अब हम पढ़ने लगे हैं। ये मेरे दादा अबू और मेरी दादी माँ, यार मेरे लिए सबर ने किया सर। अच्छा रोहान इधर आ, उसको ये गिन नहीं था, वो कम है, मैंने पूरी खानी, मैंने पहले अपना इससे नहीं सरेगा, इससे सरेगा। मैंने पहले अपना रिजर्व किया, जब बन रही थी मैंने कहा मेरे अलग हो ये थोड़ा, और बादाम भी बता मुझे जी भाई। चल मैं तू दो बादाम किस तरह ले ले, ये सबीर भाई ने स्पॉन्सर नहीं ये आए वाह। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कई बार कहा है अपनी टूर्स को कभी ना भूलो, पुराने इलाके में भी जाएंगे कब्रिस्तान के बाद। कि हम पहुंच गए अपने पुराने इलाके वाली साइड पे, और आपको पता है पिछली अगर किसी ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं यहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो गए हैं, जितने भी पीछे ईद वाले ब्लॉग था हम ईद पे, छोटी ईद पे बड़ी ईद पे तो कुर्बानी में बिजी हो जाते हैं, तो हम अपने आबाई घर पर आते हैं जहाँ पर हम पले बड़े हुए हैं, और हम हमेशा उधर आके अपनी यादें ताज़ा करते हैं, और बाबर भाई स्पेशली ज़रूर आते हैं। और इन गलियों में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं हम सब ने, जो रूहान है ना, रूहान ने वो मज़े नहीं लिए हुए, हमारा यहीं पे गुजरा हुआ है सारा बचपन, और वो जो गली मोहल्लों में सारे कारनामे होते हैं वो सब किए हुए हैं हमने, बस रूहान इस चीज़ से भरी है। बड़े बड़े गलत कारनामे किए हैं, सोच के भी दुख होता है यार। नहीं दुख यार, उस एज में यही कुछ ही होता है। और वो जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, वो हमारा बुर्ज है, ये हमारा घर है। और मेन बंदा आदिल, उसको हमने भेज दिया नाश्ता लेने, हमारे हमसाए सब जो वीडियो भी देख रहे हैं से नहीं मिल पाए, उन सबको ईद मुबारक और हमारा सलाम। अरे बच्चों वेव कर दो, मिलते हैं। कबीना पहुंच गई है, साहब जी बैठे हुए हैं, सीरियस साहब, और ओ ये बंदा भी आया हुआ आज, ये हमेशा गायब रहता है और मौके पे मिलते ही नहीं है। बस अब ये नाश्ते की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ये हमारा, ये मेरे डैड का कमरा हुआ करता था, और उनके लिए हमने स्पेसिफिक रखा, दादा बो की पिक्चर आपने पहले भी देखी है, और हमारी पुरानी बाइकें सब कुछ, ये जगह, ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम था। कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा इसमें, सेव है यार। यस व्हाट यू हैव 2012 अंडर 19 में गए थे, ये अंडर 19 का, ये बाबा एंड कामिल भी होगा इसमें, कामिल भी था इस टूर में, ट्राई सीरीज में। कल की मिल गई है, अब हम चल रहे हैं अपने रूम में, ये हमारा रूम था, और वो आदम भाई ने हमारा बेसिकली बचपन से लेके जवानी तक ना, मतलब जंग होने तक हम यही रहे, ये हमारा रूम हुआ करता था। और अभी भी अभी आदम ने ना अपना हिसाब लगा लिया जब यहाँ आता है, हैंगर इतने सारे इधर पड़े हैं, मैं ढूंढता रहा हूं। What you got here? Oh man. Oh, old stuff. What was that? Granicles and pads, bags. मैं आपको एक सीक्रेट रूम दिखा दूंगा, यहाँ पर कभी मैंने अपना ना बेडरूम बनाया था कि मैंने अलग रहना। लाइट है इसमें? यस क्या बात है, वो भी सेम हमारी, मैंने भी अजय का बैग पे है मेरा। इधर पड़े, ओए ये देखो मोटरसाइकिल भी खोली हुई है आदिल। और मैंने यहाँ बेडरूम बनाया था अपना एक, आए वाह, छोटा सा स्पेशियस सा, बड़ा मजा आता था, होम अलोन की तरह नीचे छुप के यही थी।
और एक बार ही ना आपको मजे का सीन बताता हूँ। बड़ी ईद पे ना बकरे ले आए और इस घर में ना टाइम से पहले ले आए और इस घर में हमने कहा यहाँ रखते हैं और हम 5 मंजिल ऊपर लेके गए। जो बुरा हाल किया ना उन्होंने, आपकी सोच है। और आप देख रहे हैं हम चलते जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं ख़त्म हो रही। तो हाँ, ये राजी, और अभी इससे भी ऊपर चढ़ना है। चलें जी, डेडन सबका हाल दिखाता हूँ। शाबाश। ओ अगेन पांच छह मंजिल ऊपर हैं हम, तकरीबन 6 या 7 स्टोरी ऊपर हैं। बकरे फिर ऊपर हैं, वो देखो बकरे चढ़ाए हुए हैं 7-7 मंजिल। अभी पिछले साल उस तरफ ना साइकिल चला रहा था कोई, कि ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, पतंगबाजी का दौर था। और भाई स्टोरी कौन बता रहा है? अच्छा बताओ, पतंग आई पीछे गिर गई और इस घर पे गिर गई नीचे नीचे काफी गालबन उस दरख्त पे थी, कोई चीज नहीं मिली। ठीक है, एक हमारे कजन थे, हमारा एक कजन है, इज वेरी गुड इन पेचिंग। आधे साथ हो ना, गुड्डा आया ना जूती आई। एक जूती से महरूम। कामल भाई और सो सीरियस सीरियस यार, मैं जोकर इसकी थी। चप्पल लेना जरा। ओए मजे की बात, मजे की बात। अच्छा फिर ऐसे भी होता था, हम कोई पतंग पकड़ लेना तो आगे छीन लेते थे। हाँ सीनियर प्लेयर हैं हम जी। आदिल आदिल ने 1 महीना कोई टैंकी का ढक्कन गुम गया, वो है टैंकी सी, टैंकी का ढक्कन गुम गया कैमरे दे सिक्योरिटी चोर तेरे तो ज्यादा सीरियस अन्नी मंजिल ते आके टैंकी का ढक्कन ला लिया। कोई हाइकर चोर सी, केटू सर किया हुआ था उसने, तो भी क्या पकाना क्या भाई तूने? इसको बड़ा शौक है कुकिंग करने का और आज तक किसने कोई सही सी चीज खिलाई नहीं हमें पका के। ब्लू चीज सोफले कुमराट वाला ब्लू चीज सोफले कुमराट में इसने कुमराट के ब्लॉग्स में है। दुकानदारी खराब है, घर के गाह की मशहूरी घर के गाह की खराब करी जा रहे हैं। फैसल तेरी फास्ट बॉलिंग याद आ गई गली, ए उधरू दौड़ के आंदा सी ठीक है, ते ओ ते एक ड्रम पिया सी ओनू बजदी सी गेंद विकेट दे कोल नहीं सी आंदी। यार कम ऑन बड़ी रोहान की ऊपर वाला ये वाला हिस्सा दिखाना, इस पे ना बॉल हम लटका लेते थे और पावर बॉय ने पूरी रात में सोने नहीं देना, टक टक बड़ा इसने यार। और ये जो मैट्रेस आपने देखे होंगे अंदर, ये भी प्रैक्टिस का हिस्सा था कि हम रूम्स के इर्द गिर्द मैट्रेस लगा देते थे, स्पीड पावर बॉय साहब को ना लॉकिंग करवा बराबर बी में हां जैसे हुआ। कोच बैठे हैं हमारे। Oh,
हाँ जी दोबारा हाँ जी असल ये क्या है कैसे हो गाइस ठीक है व्यूवर्स अब हमें भी दें इजाज़त और मिलते हैं अगले किसी अच्छे से व्लॉग में और एक अच्छी सी वाइब लेके नया सा मटेरियल लेके हाजिर होते हैं और टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़ गाइस सब एक बारी कह दो ईद मुबारक ईद मुबारक।